नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियोस में हम यह समझ चुके हैं कि कोई ड्रग नाइव पेशेंट यदि पहली बार हमारे पास आता है तो उसको किस प्रकार से उसके लिए उपयुक्त एंटी डायबिटिक एजेंट्स का चयन करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है वो पहले से ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन हमें उस ट्रीटमेंट में मैनेजमेंट में कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता है, या उस पेशेंट के जो परिस्थितियां हैं, जो पेशेंट के करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अनुरूप हम किस प्रकार से दवाओं का चयन करें, कौन सी मेडिसिन उस पेशेंट के लिए ज़्यादा उपयुक्त हो सकती है, कौन सी अनुपयुक्त है, किसको हटाएं, किसको घटाएं, किसको बढ़ाएं, इन्हीं चीज़ों की चर्चा आइए हम लोग इस वीडियो में करते हैं। इसको भी हम लोग एक केस माध्यम के साथ करते हैं। ये फर्स्ट केस एक 69 ईयर ओल्ड पेशेंट जो सीवियर ओबेसिटी है, जिसको 7 वर्षों से डायबिटीज है। ग्लिम्पराइड 4 मिलीग्राम, मेटफॉर्मिन 1000 मिलीग्राम और पाइग्लिजोन 30 मिलीग्राम ये ले रहे हैं। अच्छा, ग्लूकोज लेवल बिल्कुल बढ़िया है, 117/141, बहुत अच्छा कंट्रोल है। HbA1c भी 6.4 है। तो प्रश्न ये है कि यह पेशेंट जो कोई परेशानी नहीं है, ग्लूकोज लेवल भी ठीक है, HbA1c भी ठीक है, तो यदि इस प्रकार का पेशेंट हमारे सामने आए तो क्या हम इससे संतुष्ट हैं या हम इसमें कुछ और करने की इच्छा रखते हैं। वास्तव में यदि हम देखें तो ये 69 ईयर ओल्ड पेशेंट में हम ये जानते हैं कि जितनी एज बढ़ती जाती है, सल्फोनील यूरियाज के प्रति पेशेंट उतना सेंसिटिव होता जाता है। यदि उस पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया हो तो हाइपोग्लाइसीमिया वह उस पेशेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम करा सकता है, MI, सर्वोवैस्कुलर एक्सीडेंट, एपिलेप्सी, कोमा और डेथ। यंग पेशेंट्स हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा बेहतर तरह से टॉलरेट कर लेते हैं, जबकि एल्डरली ओल्ड इंडिविजुअल उसको अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पाते, उनके लिए वह हानिकारक हो सकता है। तो इस पेशेंट में एक तथ्य हमें ध्यान रखना है कि हाइपो के चांसेस हम जितने घटा सकें उतना इस पेशेंट में घटाने का प्रयास रखना चाहिए। सीवियर ओबेसिटी है। ओबेसिटी क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस का मार्कर। इसका मतलब इस पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी होगा, तो उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम उचित प्रकार से एड्रेस कर रहे हैं, उसका ध्यान रख पा रहे हैं कि नहीं, ये इसके ट्रीटमेंट में ध्यान रखना है। 7 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है। 7 ईयर्स का मतलब क्या? हम जानते हैं कि डायबिटीज मालूम पड़ने के बाद प्रतिवर्ष 3-5% सल्फोनील यूरिया, वो 3-5% बीटा सेल्स वो डिटेरियरेट करती जाती हैं, वो नॉन फंक्शनल होती जाती हैं। तो जैसे जैसे सल्फोनील, जैसे जैसे बीटा सेल्स हमारी कम होती जाएंगी, फंक्शनल बीटा सेल्स, इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। तो 7 साल की डायबिटीज के साथ अब बहुत अधिक बीटा सेल रिजर्व उस पेशेंट के पास नहीं होगा, तो इस तथ्य को भी हमें ध्यान रखना है। ग्लाइसेमिक कंट्रोल हम देख रहे हैं फास्टिंग PP और HbA1c के अनुसार वह पर्याप्त रूप में है, वह ठीक है। तो इस एनालिसिस के साथ चलिए हम लोग आगे सोचते हैं कि अब हम इनमें क्या करें। मेटफॉर्मिन की डोजेस को हमें मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज तक बढ़ाना चाहिए किसी भी ओबीज इंडिविजुअल में, या नॉर्मल वेट में भी जितना हम उसको टॉलरेट कर सके उतना देना चाहिए। इस पेशेंट पे हम देख रहे हैं कि ये 1000 मिलीग्राम ले रहे हैं, तो शायद इसमें भी हमें बढ़ाने की कुछ आवश्यकता हो। पायग्लिडजोन यह वेट गेन कराने की टेंडेंसी रखता है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि इसकी डोजेस को यदि हम कम कर सकें तो वह भी अच्छा होगा। सल्फोनील यूरियाज में हाइपोग्लाइसीमिया की जो टेंडेंसी है वो सबसे अधिक होती है, तो इसके अतिरिक्त यदि हम कोई दूसरा क्लास ऑफ एजेंट यूज करें, जैसे DPP-4 inhibitor हम जानते हैं वेट न्यूट्रल होते हैं, सल्फोनील यूरियाज थोड़ा सा वेट गेन कराने की टेंडेंसी रखते हैं, SGLT2 inhibitors जो कि वेट रिड्यूस कराने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई दूसरा, कोई अन्य क्लास ऑफ एजेंट हम यूज करते हैं तो वह शायद इस पेशेंट में मददकारक हो सके। तो मेटफॉर्मिन की डोजेस को बढ़ाना, पाइग्लिडजोन की डोजेस को घटाना और सल्फोनील यूरिया के अतिरिक्त DPP-4 inhibitor या SGLT2 inhibitor को यूज करना, यह इस पेशेंट में और अतिरिक्त हमको कुछ लाभ शायद दे सके। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि ये तो थ्योरेटिकल डिस्कशन हुआ, हम ऐसा करेंगे किस प्रकार से? देखिए, हमारी RSSDI जो हमारी नेशनल बॉडी है उसका भी एक सजेशन ये है
कि जो एल्डरली इंडिविजुअल है मोर देन 65 इयर्स ऑफ एज, उनमें मेटफॉर्मिन के साथ जब हमें सेकेंड एड ऑन एजेंट देना है तो सल्फोनी यूरिया के बनस्बत डीपीपी 4 इनहिबिटर एक बेहतर बेहतर चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि इनमें हाइपोग्लाइसीमिया और वेट गेन की टेंडेंसी कम होती है। तो इस आधार पर भी हम एक यह भावना पुष्ट होती है कि हम डीपीपी 4 इनहिबिटर इस केस में यूज करें तो शायद हमें अतिरिक्त लाभ मिल सके। देखते हैं, अब जब भी हमें कुछ मेडिसिन, अच्छा ग्लाइसेमिक कंट्रोल इस पेशेंट का बहुत अच्छा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो चल रहा है उसके ऊपर मेटफॉर्मिन बढ़ा दी, उसके ऊपर डीपीपी 4 जोड़ दिया, उसके ऊपर SGLT2 जोड़ दिया। हमें कुछ मेडिसिन हटानी भी घटानी भी पड़ेंगी। तो अब हमें कितनी मेडिसिन घटाएं और क्या मेडिसिन जोड़ें, कुछ रफ एक हमारे दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए। देखिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन कुछ नहीं है। तो यदि हम बात करें सल्फोनील यूरिया की, तो सारे सल्फोनील यूरिया जो अपनी बेसिक डोजेस में है उसके इक्विवेलेंट एफिकेसी रखते हैं। लगभग एक टैबलेट जो आती है सबसे स्मॉल यूनिट की, लगभग बराबर प्रभाव रखती है। 5 मिलीग्राम ग्लेविनक्लामाइड ये 80 मिलीग्राम ग्लाइकोलाजाइड के बराबर होती है, या ग्लाइकोलाजाइड की सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन लें तो लगभग 30 मिलीग्राम, ग्लिमिप्राइड 1 मिलीग्राम। तो इस प्रकार से एक टैबलेट ग्लिमिप्राइड की एक टैबलेट ग्लेविनक्लामाइड या ग्लाइकोलाजाइड के बराबर होती है। रफली आपस में एक प्रभाव रखते हैं ये, थोड़े थोड़े सबके अपने अपने निजी फायदे और नुकसान हैं। डीपीपी 4 इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो यह कहना उचित नहीं होगा कि यह डीपीपी 4 इनहिबिटर दूसरे डीपीपी 4 इनहिबिटर से बेहतर है, लेकिन जो उनकी फुल डोजेज हैं टेनिलग्लिप्टिन 20 मिलीग्राम, विल्डाग्लिप्टिन 100 मिलीग्राम यानी 50 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, सिटाग्लिप्टिन 100 मिलीग्राम, लिनाग्लिप्टिन 5 मिलीग्राम या और जो न्यूअर ग्लिप्टिन्स हैं, तो वह सब ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। इसी प्रकार से SGLT2 इनहिबिटर्स, रामोग्लिफ्लोजिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, डापाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम, एम्पाग्लिफ्लोजिन 25 मिलीग्राम, कानाग्लिफ्लोजिन 100 मिलीग्राम सब परस्पर लगभग समान प्रभाव रखती है। तो यह तो आसान है कि अगर हम एक ही ग्रुप की किसी वजह से एक मेडिसिन की जगह हम दूसरी मेडिसिन दूसरे एजेंट पे जा रहे हैं, लेकिन यदि हमें इन क्लास ऑफ एजेंट्स को इंटरचेंज करना हो तब क्या करें? जब इन एक ही क्लास के दो मेडिसिन के बीच में कोई फॉर्मूला नहीं है तो दो क्लासेस के बीच में तो कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता बिल्कुल भी। लेकिन पुनः मैं कहूंगा एक रफ आइडिया, मेटफॉर्मिन की 1000 मिलीग्राम रफली मोटे मोटे तौर पे ग्लिमिपराइड की 1 मिलीग्राम के बराबर समझी जा सकती है जब कभी भी हमें कुछ घटाना बढ़ाना करना हो। लगभग टेनिलग्लिप्टिन 20 मिलीग्राम, लगभग कोई भी SGLT2 इनहिबिटर जैसे रेमोग्लिफ्लोजिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, इनको हम प्रारंभिक तौर पे आपस में इक्विवेलेंट मान सकते हैं। अच्छा पायोग्लिडोन को इस कैटेगरी में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि पायोग्लिडोन हम जानते हैं बहुत स्लोली काम करती है। एक बार हमने देना आरंभ किया तो 6 वीक्स टू 8 वीक्स मतलब 1.5 से 2 महीना लगता है उसको अपना प्रभाव उत्पन्न करने में। तो पायोग्लिडोन को हम घटाना बढ़ाना दोनों हम इमिडिएटली पेशेंट को कोई हम प्रभाव नहीं डालेंगे उस पर। तो बाकी दवाओं में हमको उनकी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट डोजेस का ध्यान रखते हुए देखते हैं हम इस पेशेंट में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए यह जो श्रीमान जी थे ये 4 मिलीग्राम ग्लिमिपराइड 1000 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन और 30 मिलीग्राम पायोग्लिडोन लेके आ रहे थे, ग्लाइसेमिक कंट्रोल ठीक था। हम चाहते हैं मेटफॉर्मिन को बढ़ाना, तो यदि हम मेटफॉर्मिन को बढ़ाना चाह रहे हैं 500 मिलीग्राम तो हमें उसके इक्विवेलेंट किसी डोज को ऑल्टर करना होगा। पायोग्लिडोन को हम 30 से 15 करना चाह रहे हैं क्योंकि थोड़ा वेट गेन भी कराती है, प्लस पायोग्लिडोन के साथ थोड़े से कंसर्न्स हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ाती है, ब्लैडर कार्सिनोमा कर सकती है, वेट गेन कराती है, तो इसको हम 15 मिलीग्राम जो थोड़ा लोअर डोज पे ही रखना हम ठीक समझ रहे हैं। तो लेकिन इसके लिए हमको इमीडिएट चेंजेस की आवश्यकता नहीं, हमने इसको 30 से 15 कर दिया। मेटफॉर्मिन जब हमने 500 मिलीग्राम बढ़ाई तो उसके लिए हम रफ आइडिया है कि 1000 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन 1 मिलीग्राम ग्लिमिपराइड के बराबर है, तो हमने 500 बढ़ाई तो 0.5 मिलीग्राम ग्लिमिपराइड कम कर दी, 4 से 3.5 मिलीग्राम कर दी।
हम चाह रहे हैं कि DPP-4 इनहिबिटर्स इसमें ऐड कर ले, तो DPP-4 इनहिबिटर हमने टेनेग्लिप्टिन 20 मिलीग्राम जब जोड़ा तो एक रफ गाइड दोबारा कि 20 मिलीग्राम 1 यूनिट डोज ऑफ टेनेग्लिप्टिन इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीग्राम ऑफ ग्लिमिपराइड, तो हमने 1 मिलीग्राम टेनेग्लिप्टिन के नाम का कम करना प्लान किया, तो इसलिए हमने ग्लिमिपराइड 0.5 mg मेटफॉर्मिन के लिए और 1 mg टेनेग्लिप्टिन के लिए कम करके 2.5 मिलीग्राम कर दी। फिर पेशेंट को 10 दिन बाद फॉलोअप में बुलाया तो देखा थोड़ा थोड़ा सा 10-15 मिलीग्राम परसेंट ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बहुत खराब नहीं है, मेटफॉर्मिन की डोजेस हमें अभी बढ़ानी है। मेटफॉर्मिन को हमने 2000 किया तो 0.5 mg ग्लिमिपराइड और कम कर दी। फिर 10 डेज बाद देखा ये ऑलमोस्ट हमारा प्रीवियस लेवल पे आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मन में आया कि हमने एक काम सक्सेसफुली कर लिया, टेनिलग्लिप्टिन ऐड कर दी, मेटफॉर्मिन को फुल डोज में कर दिया, सीवियर ओबेसिटी है, क्यों ना हम इसमें SGLT2 इनहिबिटर्स भी ऐड करें जो वेट लॉस में थोड़ा हमें हेल्प कर सके। तो हमने इसमें रेमोग्लिफ्लोजिन 100 मिलीग्राम दिया। अच्छा, 100 मिलीग्राम की डोज नहीं होती, वंस अ डे नहीं दिया जाता, ये ट्वाइस अ डे दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा मन में कंसर्न है, आधा अधूरा सा काम किया, डरते डरते किया, तो 100 मिलीग्राम जोड़ा और हमने थोड़ा ग्लिमिपराइड कम कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हाइपरग्लाइसीमिया थोड़ा बढ़ तो गया, तो हमने इसकी जो प्रॉपर डोजेस है रेमोग्लिफ्लोजिन की 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे कर दिया और अब हमने हिम्मत करके ग्लिमिपराइड बिल्कुल बंद कर दी। और ये देखिए, हम 40 दिन होते होते पेशेंट हमारा परफेक्ट कंट्रोल में आ गया और अब हम कह सकते हैं हमने मेटफॉर्मिन फुल डोज में यूज की, टेनिलग्लिप्टिन 1 DPP-4 इनहिबिटर दिया, वेट एड्रेस करने के लिए हमने रेमोग्लिफ्लोजिन के रूप में एक SGLT2 इनहिबिटर दिया, और जो हमारा ग्लिमिपराइड जो हम ये समझ रहे थे कि समय के साथ साथ इसकी एफिकेसी कम होती जाएगी, वह हम इसको बड़ा सक्सेसफुली हम रिड्यूस कर सके। तो इस समय हमारे दो इंसुलिन सीक्रेटोगॉग, एक DPP-4 इनहिबिटर, एक SGLT2 इनहिबिटर पे पेशेंट हमारा सक्सेसफुली कंट्रोल हो गया। इस प्रकार से एक मेडिसिन को हम घटाते हुए दो अन्य मेडिसिन को जोड़ पाए, मेडिसिन का आपस में एक इंटरचेंज समझते और जानते हुए। देखिए, एक एक चीज मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आधारित है, कोई भी काम हमको बिल्कुल जो मन में आया हमने उस प्रकार से कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सिर्फ एक पहलू पेशेंट टू पेशेंट जो है अंतर आता है कि किस पेशेंट में मेडिसिन की सेंसिटिविटी कितनी है, किस पेशेंट में पैंक्रियाटिक बीटा सेल रिजर्व कितना है। इसी के आधार पे जब हम जो कैलकुलेशन यहाँ पे आया है वो कैलकुलेशन दूसरे पेशेंट पे अलग हो सकता है, तीसरे पेशेंट पे अलग हो सकता है, लेकिन जब भी हमें मेडिसिन को घटाना बढ़ाना है तो कुछ हमारे दिमाग में एक अप्रोक्सीमेट एक क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इस पेशेंट में हमने देखा कि एक कैलकुलेटेड वे में हम इस पेशेंट में कुछ मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन से सब्स्टिट्यूट कर पाए। आइए इस सीख को हम लोग दूसरे पेशेंट में अप्लाई करते हैं। एक दूसरा एल्डरली पेशेंट, 61 ईयर ओल्ड मेल, जो कि लीन दुबला पतला पेशेंट है, 8 साल से डायबिटीज है, मेटफॉर्मिन 2000 मिलीग्राम, विल्डाग्लिप्टिन 100 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, पाइरोग्लुटोन 30 मिलीग्राम। अरे वाह, तो दो दो इंसुलिन सेंसिटाइजर और मेटफॉर्मिन फुल डोज में, पाइरोग्लुटोन मिड डोज में यूज कर रहा है, DPP-4 इनहिबिटर यूज कर रहा है और उसके ऊपर लेकिन ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत खराब है। अच्छा, यूरिन कीटोन निगेटिव, इसका मतलब पैंक्रियाटिक बीटा सेल रिजर्व है और इंसुलिन अभी डेफिशिएंसी वाली स्टेज नहीं है। तो अब प्रश्न ये आता है कि इंसुलिन सेंसिटाइजर हम इतना अच्छा यूज कर रहे हैं, जो अभी तक हमें शिकायत रही कि हमने पिछले पेशेंट को इंसुलिन सेंसिटाइजर को भली भांति यूज नहीं किया था, तब ये पेशेंट रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। देखिए, पहली चीज तो ये लीन पेशेंट है। अब पहला पेशेंट सीवियरली ओबीस था, वहां पर इंसुलिन सेंसिटाइजर हम कम दे रहे थे, ये पेशेंट लीन है और इसको हम इंसुलिन सेंसिटाइजर मैक्सिमम डोज में दे रहे हैं। तो कभी कभी हमारा जो एक्शन है वो थोड़ा सा साइंटिफिक बेसिस पे आधारित पूरी तरह से नहीं होता।
तो यही चीजें हमें अपने पास जो भी पेशेंट आ रहा है उसमें हर पेशेंट में ये कैलकुलेट करना है कि जो काम हो रहा है वो सही है कि नहीं। लीन पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम ही होता है, क्योंकि हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि इंडियन पेशेंट्स थिन फैट इंडियन कहलाते हैं, कि हमारी बॉडी में फैट, जो बॉडी फैट कंसंट्रेशन है वो तब भी काफी होती है। तो इंसुलिन सेंसिटाइजर हमें देने हैं, लेकिन इन पेशेंट्स में इंसुलिन डेफिशिएंसी भी एक पर्याप्त मात्रा में होती है, क्योंकि इंसुलिन अगर होती तो थोड़ा सा वेट अच्छा होता, तो शायद इन पेशेंट्स में इंसुलिन की कमी भी हो। तो यहाँ पे हमें इंसुलिन डेफिशिएंसी को एड्रेस साथ में अवश्य करना चाहिए। 8 वर्ष पुरानी डायबिटीज है, बहुत अच्छा इंसुलिन सिक्रेटिंग रिजर्व नहीं रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं अधिकांश लोगों में 10 साल होते होते पैंक्रियाटिक बीटा सेल लगभग काम करना बंद करती जाती है। मेटफॉर्मिन फुल डोज, लैगलिप्टिन फुल डोज, पैगलिडोजोन मिड डोज में हम यूज कर रहे हैं, तो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स खूब अच्छे यूज हो रहे हैं। सिक्रेटोगॉग यूज किया, विल्डाग्लिप्टिन, वास्तव में इसको हाफ सिक्रेटोगॉग कहा जाता है। क्या मतलब हुआ? विल्डाग्लिप्टिन के दो प्रकार से कार्य करती है ये, एक तो जब ये इंसुलिन सिक्रीशन कराती है जो फिजियोलॉजिकल वे में, और दूसरा ग्लूकोगॉन सिक्रीशन घटाती है। तो ग्लूकोगॉन सिक्रीशन घटाती है वह एक इसका यूज हुआ, और इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाती है यह इसका दूसरा यूज हुआ। तो इंसुलिन सिक्रीशन उतना पोटेंट सिक्रेटोगॉग नहीं है जितना सल्फोनिउरियाज होती है, लेकिन इसका आधा जो एक्शन है वो सिक्रेटोगॉग का है और आधा एक्शन ग्लूकोगॉन सप्रेशन का है। तो इसको हाफ सिक्रेटोगॉग एक लूज टर्म में कहा जा सकता है। लेकिन अब ये पेशेंट बहुत सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया के साथ आया है, तो इसको मॉडरेट लेवल ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया जो है, इसका मतलब यह है कि अभी हमें डोजेस को और स्टेप अप करने की आवश्यकता तो इसमें है ही। तो आइए समझते हैं कि अब क्या किया जाए। मेटफॉर्मिन चलने देते हैं, विल्डाग्लिप्टिन चलने देते हैं, पायोग्लिडोन थोड़ा सा कंसर्न होने के कारण से 15 mg कर देते हैं। अच्छा, अब हम सल्फोनिन यूरिया दें, क्यों? जिससे कि इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ा सकें, और इसके लिए हमने ग्लिमेपराइड का चयन किया, 3rd generation सल्फोनिन यूरिया, इसको 1 mg बिफोर ब्रेकफास्ट आरंभ किया। देखते हैं 10 डेज के बाद क्या हुआ। पहले था 217 298, हाँ फॉल तो काफी सिग्निफिकेंट है और ये हमारा, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा, इसलिए हमने ग्लिमेपराइड को 1 mg से बढ़ा के 2 mg किया। फिर 10 डेज पे देखा, वेरी गुड रिस्पॉन्स कर रहा है पेशेंट, लेकिन अभी भी बहुत हाई है, ग्लिमेपराइड को 3 mg किया। और 1 महीना होते होते हम देख रहे हैं पेशेंट हमारा काफी अच्छे कंट्रोल में आ गया। फिर उसी पॉलिसी पे रहेंगे हम, अभी बहुत हीरो नहीं बनेंगे, डोजेस को अभी और नहीं बढ़ाएंगे, सेम डोजेस को चलने देंगे, और ये देखेंगे कि जैसे जैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती, जब हाइपरग्लाइसीमिया था उसको हमने नॉर्मोग्लाइसीमिया पे लाए, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करेगी, बीटा सेल फंक्शन थोड़े इंप्रूव करेंगे ग्लूकोटॉक्सिसिटी कम होने से। तो हो सकता है बाद में ये मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव होके शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल डाउन होने लग जाए, तो हमें डाउन टाइट्रेट करना पड़े। तो यह ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सेम डोजेस को कंटिन्यू कराते हैं और वेट करते हैं। अच्छा, सल्फोनिन यूरिया के प्रति हम लोग का बहुत आग्रह तो काफी है, लेकिन उसके साथ में सल्फोनिन यूरिया में हम अभी यह भी ध्यान रखता है कि एक दिमाग में निगेटिव पहलू हम ना रखें। यह निगेटिव पहलू हमारा ये हो सकता है कि सल्फोनिन यूरिया हार्ट पे खराब प्रभाव रखते हैं, लेकिन हमने कैरोलिना स्टडी में देखा कि ऐसा नहीं है कि सल्फोनिन यूरिया डिलीटेरियस होते हैं हार्ट के लिए, और एक लॉन्ग टाइम देने में भी हमने देखा इस स्टडी में सल्फोनिन यूरिया इफेक्टिव रहते हैं और सेफ रहते हैं। तो इसलिए सल्फोनिन यूरिया के प्रति कोई निगेटिव भाव भी हमको नहीं रखना है। समय के साथ साथ हमारी अप्रोच बदल रही है। 6 साल पूर्व 2014 में हम जो अपना एल्गोरिदम था वो ड्रग के बेसिस पे था, कौन सी ड्रग की क्या क्वालिटी है, हम कौन सी ड्रग को कब यूज करें, तो ड्रग स्पेसिफिक जो हमारा रिकमेंडेशन एल्गोरिदम था वो चेंज होते होते धीरे धीरे ग्लाइसीमिया स्पेसिफिक हुआ, मतलब पेशेंट का ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा है उसके अनुसार कौन सी ड्रग्स यूज करें। लेकिन अब हम थोड़ा सा और बेहतर अप्रोच लेते हुए अब हम पेशेंट स्पेसिफिक, पेशेंट सेंट्रिक हो गए हैं कि पेशेंट की जरूरत क्या है। हम ड्रग को नहीं, हमारा ड्रग थेरेपी हमारा प्राइमरी मोटिव नहीं है, हम केवल ग्लाइसीमिया पे भी सेंट्रिक ना होके हम पेशेंट की ओवरऑल
सर्कमस्टांसिस की, ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा है, वेट कैसा है, हाइपोग्लाइसीमिया के प्रति उसकी सेंसिटिविटी कैसी है, इनके आधार पे पेशेंट में हम मेडिसिन का चयन करें। और यही बताना इस वीडियो का उद्देश्य था कि पेशेंट की करेक्टरिस्टिक के अनुसार हम बेहतर मेडिसिन का चयन करें और उसको अपने पेशेंट में उपयोग में लाएं, जिससे एक बेहतर मेडिसिन हम पेशेंट को लॉन्ग टर्म उसके एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए हम दे सकें, जिससे पेशेंट हमारा ज्यादा लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।